खैरियत होंगे और दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ भाई। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल हिंदी में है भाई, एक मुस्लिम है G20 में, उन्होंने अपना वो मतलब हाथों से वो बनाते थे बर्तन, G20 में उनके बर्तनों की काफी जो है वो चर्चा रही, तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं वीडियो, वीडियो स्टार्ट। यूपी के दिलशाद हुसैन ने G20 में मचाया अपना जलवा, जिनके कलश को मोदी ने पहुंचाया जर्मनी। कौन है दिलशाद जिन पर पीएम मोदी है मेहरबान? जिस वक्त मेरे पास फोन गया और लेटर गया कि आपको जो है G20 में जाना है और अपनी कला का प्रचार करना है। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर भले ही मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया जाता हो, लेकिन पीएम मोदी ने कभी किसी समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया, जातिवाद नहीं किया, धर्म या मजहब के नाम पर राजनीति नहीं की, और इसका जीता जागता उदाहरण है यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले दिलशाद हुसैन, जो कलश पर आकृति बनाते हैं और बीजेपी सरकार में उन्हें उनकी कारीगरी का पूरा सम्मान मिलता है। और इसी साल दिलशाद हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, तो वहीं G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें अपनी कला दिखाने का एक बार फिर मौका दिया गया। दरअसल पीतल नगरी मुरादाबाद की गलियों में रहने वाली दिलशाद हुसैन पीतल पर अपने हाथों से नक्काशी का काम कर उसमें अपने हाथों से खूबसूरती के चार चांद लगाती, और उनकी इसी कला को पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय G20 सम्मेलन में दिखाने का मौका दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी प्रगति मैदान में चल रही G20 क्राफ्ट बाजार में स्टॉल लगाने का मौका मिला। और इसी दौरान दिलशाद हुसैन ने बताया था, जब उनसे पीएम मोदी की मुलाकात हुई, तो आप भी सुनिए। इंदिरा गांधी पिस्तान जो है नखलों के अंदर, वहाँ पर हमारी स्टॉल लग रही थी, हमारे स्टॉल पर प्रधानमंत्री जी मोदी साहब आए और हमारे स्टॉल पर जो आइटम रखे थे वो देखे, अच्छे से बहुत अच्छे लगे, उन्हें पसंद करे, बोले आपकी कला अच्छी है, ठीक है। उसके बाद हम अपने घर आ गए, स्टॉल जब पूरी और टाइम हो गया, तो हमारे पास 3 दिन के बाद फोन आता है कि आपके स्टॉल पर एक ब्लैक कलर का मटका रखा था। मैंने कहा जी हाँ रखा था, तो बोले आप वो भेज दीजिए प्रधानमंत्री जी को, वो पसंद आ गया है और वो आपका मटका जो है जर्मन लेके जाएंगे और वहाँ गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा साहब तो बड़ी खुशी की बात है, और बोले इसके साथ में बिल भी भेज देना। तो मैंने कहा साहब बिल तो नहीं भेजेंगे, अब हम आपने कहा गिफ्ट देने जा रहे हैं, तो हमारी तरफ से भारत को ये गिफ्ट है, ये मैंने इस तरह से उनसे कहा। लेकिन हमारे मोहल्ले में, आर्टिजनों में और हमारे घर में खुशी की लहर डहर गई कि आज हमारी कला जर्मन जा रही है और वो भी प्रधानमंत्री जी लेके जा रहे हैं। जब से हमारे मोदी जी के नाम से घड़ा हमारा बिक रहा है कि ये जब घड़ा हमारे मोदी जी ले गए, तो हमसे लेने वाला बड़ी खुशी से लेता है, बड़ा अच्छा हमें लगता है। मैं मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी कला को जर्मन पहुँचाया और अपने हाथ से पहुँचाया। जिस वक्त मेरे पास फोन गया और लेटर गया कि आपको जो है G20 में जाना है और अपनी कला का प्रचार करना है और विदेश के मेहमान हमारे आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा, और मैंने शुक्रिया किया मोदी जी का भी कि ऐसे प्रोग्राम करा रहे हैं और हमेशा कराते रहें, हमारा सामना मेहमानों से भी होगा, आज हमारी कला मेहमान भी देखेंगे और हमारी कला का प्रचार काफ़ी होगा, उम्मीद है कि हमें इससे कारोबार मिलेगा और आर्डर भी मिलेंगे। और एक चीज़ और कहूँगा मोदी जी के बारे में कि मोदी जी हमारे वो ODOP स्कीम चला रहे हैं, वो बहुत शानदार स्कीम है, वो इसलिए अच्छी है कि हम ठेकेदार के वहाँ काम करते हैं जो कारीगर होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना सहारा नहीं होता है कि वो अब किट ले सकें। अब जब ट्रेनिंग 10 दिन के ऑर्डिनेशन कर लेता है तो उसे किट देती है सरकार, उससे वो ठेकेदार से बच जाता है, अपना काम कर लेता है। ऐसे ही विश्वकर्मा सम्मान योजना है, वो भी बहुत शानदार है, वो 6 दिन की है, उसमें लोहार हैं, हलवाई हैं, इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं और फिर उन्हें किट मिल जाती है तो वो अपना काम करने लगते हैं। इसलिए मैं सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ और मोदी जी का भी और योगी साहब का भी, ये स्कीम चालू रखें, ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो देखा आपने, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने दिलशाद हुसैन को अपनी कला का प्रदर्शन दिखाने का मौका दिया। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए,
और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। नहीं, वीडियो खत्म हो गया भाई साहब, क्या बात है मोदी साहब की। जो ये जो जो चीज है ना कि जो टैलेंट को आगे लेकर आए, उनके टैलेंट को प्रमोट किया। बहुत सारे ऐसे टैलेंट है भाई साहब, वो ना मतलब ये कि उनका नाम नहीं होता। हाँ, जिस तरह ये छिपे गुमनामी की जिंदगी में वो भाई साहब खत्म हो जाता है। हालांकि कला इनकी बढ़िया है, इतनी बारीकी से। ये भी वो निकासी वाले काम हुआ ना, बिल्कुल निकासी है, बहुत बारीकी से के ऊपर वो बारीकी के साथ निकासी। G20 में वो एक था, मेरे ख्याल में यही था, खूबसूरत भी कमाल के लग रहे थे। और भाई साहब ये वाकई इसमें क्रेडिट जाता है पीएम मोदी को भाई, के उन्होंने जर्मन वालों को ये पसंद आया कि एज अ गिफ्ट इन्होंने अपनी तरफ से उन्हें दे दिया। मोदी गए थे जर्मन में, जर्मन गए थे, उन्होंने ये मटका गिफ्ट किया उधर। इन्होंने उससे पहले स्टॉल लगाया था उसके अंदर, ये स्टॉल लगा उधर देखा, सही उनको पसंद आया और उन्होंने कहा ये वाकई देना चाहिए, क्योंकि यूनिक चीज देनी चाहिए ना। बंदा किसी को गिफ्ट दे रहा है, एक कोई कंट्री देता है वो अपनी शान के हिसाब से देता है। तो इसमें क्या था, एक तो अपना लोकल जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जा रहा है, लोकल टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है कि भाई हो सकता है जर्मन वालों को पसंद आए और भी बर्तन बिकना शुरू हो सकता है, रोजगार बढ़ सकता है। इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया और ऊपर से भाई साहब ये मटका इतना फेमस हो गया कि मोदी जी के वाला मटका के नाम से अब लोग जो और ज्यादा खरीद शौक से भाई, ये अच्छा है। जिन्हें नहीं भी पता था वो भी खरीद रहे हैं, बिल्कुल भाई साहब। और इस मामले में भाई साहब पीएम मोदी बहुत बढ़िया काम किया, जो अपने कल्चर को प्रमोट किया, जो अपने कारीगर है उनको प्रमोट किया। और वो खुश हो रहे थे भाई कि जो स्कीम निकाली, किट का नाम ले रहे थे किट टैक, भाई मुझे पता नहीं कुछ कुछ साजो सामान होगा या फिर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह रजिस्ट्रेशन इस तरह का भी हो सकता है, वो मिडलमैन ठेकेदार से ठेकेदार जो वो जो सर कमाई वो कर जाते थे तो इन मजदूरों को या इन कारीगरों को वो नहीं मिलते। अब ये ट्रैक्ट उनके साथ रास्ते में रहेंगे और जितनी मर्जी डिमांड कर सके वो इनकी अपनी मेहनत होगी, बिल्कुल खुद का काम कर सकते हैं। मतलब ये कि कारीगर अपना खुद का काम करके अपना काम चला सकते हैं जी। तो ये बहुत बढ़िया भाई साहब, इससे क्या होगा कि जो गरीब बंदा है एक तो जो उसकी मेहनत है वो जाया नहीं जाएगी, जितना वो करेगा उतना वो कमाएगा। ये मोदी का ये मिशन था ना, सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ। और पहले भी एक वो बाबा जी देखे थे, वो मुस्लिम वो बना रहे थे, वो चले से हाथों से बना रहे अपने नाम के बिल्कुल। तो इसमें कई यूपी वाला काफी टैलेंट दिखाया गया इसमें, हर जगह के है भाई, कोई एक जगह का थोड़ा ही है, कहीं कहीं से कोई कहीं से है, सभी जो है ज्यादा बेहतर चीज है जो नजर में आता है उसको प्रमोट कर देते हैं, उसको जो नजर में चढ़ हर स्टेट के हर जिले के। ये तो नहीं भी आप गली मोहल्ले में घूम रहे हैं मोदी साहब, नहीं जो किसी मीडिया के जरिए या खुद देख लेते हैं जिससे मेरे मुल्क का नाम बढ़ेगा, इसका भी कमाल और दुनिया को नजर आ जाएगा भाई किस तरह कार्य करिए। असल में G20 में एक शहर के अंदर या दो तीन शहरों के अंदर कवर के, लेकिन उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट या जो भी खाने वो वैसा पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट इसके अंदर किया जा रहा है, इंडिया को प्रमोट किया गया उसके। जहाँ पर भी G20 की मीटिंग हुई है वहाँ पर स्टॉल लगाएंगे, वो डिफरेंट स्टेट के कल्चर को प्रमोट किया गया उधर। तो ये भाई साहब बहुत खाने भी देख लो उस हिसाब से, पूरे मशहूर थे बर्तन देख लो किस तरह से थे। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा देख के, और अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और वैसे मटकी की कीमत नहीं बताएगी, नयाब चीजों की कीमत थोड़ी सी हट गई होती है, वो गिफ्ट वालों की नहीं बताई जाती भाई साहब, और उसको कीमत लगाई होती तो बताते ना गिफ्ट वाले। नहीं, बाबा जी ने भी कहा ना कि हम कीमत कुमत नहीं भेजेंगे भाई, ये हमारी तरफ से हमारे कंट्री को गिफ्ट। क्या बात है, उनका बिजनेस है घोड़ा का, जिस तरह वो मुस्लिम बाबा जो बना रहा था अल्फाबेट उसकी तो वो लाख रुपए के ऊपर मजाक क्या कह रहे थे, इतनी बड़ी अगर उसकी इतनी फायदा भी इसकी तो और ज्यादा होगी, 200 से 500 तक वो बोल रहे हैं।
तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।